इस मूवी की शुरुआत सैरा नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपनी फ्रेंड के घर पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन सैरा के फादर उसे पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देते हैं। सैरा के फादर का नाम डॉन है। सैरा अपनी माँ से कहती है, आपने मुझसे कहा था मैं पार्टी में जा सकती हूँ। तब सैरा की मदर उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम आज पार्टी में मत जाओ, फिर कभी चली जाना। इसके बाद सैरा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं पर हम सैरा की बड़ी बहन को देखते हैं। उसी रात सैरा अपनी फैमिली से छुपकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उसी पार्टी में जाती है। घर में सैरा की माँ उसके रूम में आती है। जब वो देखती है सैरा अपने रूम में नहीं है, तब वो ये बात अपने हस्बैंड यानी सैरा के फादर को बता देती है। ये बात सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है। सैरा अपने दोस्तों के साथ रात भर खूब पार्टी करती है और इसके बाद सुबह में अपने घर वापस आती है। इसके बाद डॉन सैरा पर बहुत गुस्सा होता है। उसी वक्त सैरा की मदर वहां पर आ जाती है। सैरा इन दोनों से नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। सैरा जब अपने रूम में आराम कर रही होती है, उसी वक्त उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ उसके पास आती है। ये तीनों आपस में बातें करती हैं। सैरा इन दोनों से कहती है, 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। और वो कहती है, इसके बाद मैं अपने बचपन के फ्रेंड के पास चली जाऊंगी और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं सैरा का फादर उसी रूम के बाहर खड़ा है और इन सारी बातों को वो सुन लेता है। इसके बाद डॉन अपने घर के बेसमेंट में बने एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है। अब वो इंतजार कर रहा था उस वक्त का जब सैरा 3 महीने बाद 18 साल की हो जाएगी। अब हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। वहीं हम सैरा को देखते हैं जो कि काफी खुश होती है और अपने फ्रेंड क्रिस्टोफर से बात कर रही होती है। सैरा की सिस्टर और उसकी माँ अभी घर पर नहीं होते हैं, जबकि इस वक्त डॉन और सैरा घर में अकेले होते हैं। डॉन सैरा से आकर कहता है, मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स रखनी है, उस बॉक्स को बेसमेंट में रखने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद दोनों उस बॉक्स को उठाकर बेसमेंट में जाते हैं, जहां जाकर डॉन सीक्रेट रूम के दरवाजे को ओपन करता है। उस सीक्रेट रूम को देखकर सैरा हैरान रह जाती है। उसे ये आज तक पता नहीं था कि यहां एक सीक्रेट रूम भी है। इसके बाद डॉन सैरा को बहाने से उस रूम में लेकर जाता है। इसके बाद डॉन सैरा को उस रूम में लॉक कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। सैरा हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन डॉन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। सैरा उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में वह उस रूम की लाइट्स को बिगाड़ देती है। इसके बाद सैरा उस बॉक्स को चेक करती है। आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या है जिसे कुछ देर पहले डॉन और सैरा मिलकर यहाँ लाए थे। सैरा देखती है उस बॉक्स में उसके सारे जरूरत के सामान हैं। इन सारे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सैरा अब यहीं रहने वाली है। वो बार बार चिल्लाकर सभी से हेल्प मांगने लगती है। डॉन देखता है सैरा की आवाज बाहर तक आ रही है, इसलिए वो वेंटिलेशन वाले रास्ते को भी बंद कर देता है और अब उस रूम से कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। सैरा की मदर को सैरा की बहुत फिक्र होती है। ऐसे ही एक दिन गुजर जाते हैं। दूसरे दिन भी सैरा हेल्प के लिए चिल्लाती है, तभी उस दरवाजे को खोलकर डॉन अंदर आता है। तभी सैरा उसे जोर से धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैरा देखती है बाहर का दरवाजा भी बंद है। इसके बाद डॉन सैरा को घसीटकर रूम में वापस ले आता है और वो सैरा पर बहुत गुस्सा होता है। डॉन उससे कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें इस कैद से आजाद कर दूंगा। लेकिन सैरा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके वजह से डॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और अपने गुस्से के कारण वो सैरा के साथ वहीं पर जबरदस्ती करता है। इसके कुछ दिनों के बाद सैरा की हालत खराब होने लगती है और उसे वोमिट होती है। कुछ दिनों बाद पुलिस भी सैरा को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। डॉन इन लोगों को समझाता है, सैरा हम लोगों से दूर कहीं बाहर चली गई है, क्योंकि वो पहले ही ऐसा कह चुकी है कि वो हम लोगों से दूर रहकर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। सैरा की मदर वहां पर कहती है, वो बस ऐसा कह रही थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है। तब पुलिस ऑफिसर इन लोगों से कहता है, हमें कुछ दिन सैरा का वेट करना चाहिए, क्या पता वो हम लोगों से खुद ही कॉन्टेक्ट कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं जो कि अपने फादर के इस हरकत से बहुत शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि सैरा के बारे पता करने के लिए उसके घर पर आता है। डॉन क्रिस्टोफर से मिलता है। डॉन क्रिस्टोफर से कहता है, सैरा अपने बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। सैरा को उस रूम में बंद हुए 21 दिन हो चुके हैं, अब वो पूरे 18 साल की हो चुकी है। आज सैरा का बर्थडे है। डॉन उसके लिए केक और कैंडल्स लेकर आया है। डॉन सैरा को कैंडल्स बुझाने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करती है। अब सैरा डॉन की हर बात मानती है। वो उसकी हर बात इसलिए मानती है क्योंकि डॉन ने उससे कहा था, अगर तुम मेरी हर बात मानोगी तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से आजाद कर दूंगा। डॉन सैरा के लिए कुछ कपड़े वहां पर लाता है और वो उससे कहता है, तुम अपनी कोई विश मुझे बताओ और मैं उसे पूरा कर दूंगा। सैरा उसके गिफ्ट वाले कॉस्ट्यूम को पहनती है और उसे अपनी विश बताती है। वो कहती है, मुझे यहाँ से आजादी चाहिए। डॉन उससे कहता है, अभी इस बात के लिए तुम्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तब सैरा उससे कहती है, मुझे एक घड़ी और एक टीवी चाहिए,
यहाँ पर डॉन सेरा से फिर से जबरदस्ती करता है। दूसरे दिन हम देखते हैं डॉन सेरा के लिए घड़ी और टीवी ला देता है। थोड़े समय बाद सेरा फुटकैन से एक हथियार बनाती है और वो डॉन को उसके करीब आने के लिए कहती है, लेकिन डॉन एक चालाक आदमी होता है और वो सेरा के इरादे पहले ही जान चुका था। इसके बाद डॉन को गुस्सा आता है और वो सेरा को बहुत मारता है और उसे मारकर उसका हाथ तोड़ देता है। अब सेरा अपने जिंदगी के एक साल इस रूम में गुजार चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं सेरा अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी अचानक सेरा को पेन होने लगती है और सेरा एक बच्ची को जन्म देती है। सेरा की बेटी को देखकर डॉन बिल्कुल खुश नहीं होता है और अब ऐसे ही 4 साल गुजर चुके हैं। अब सेरा की मदर सेरा को बहुत मिस करती है। यहाँ हम देखते हैं सेरा फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। डॉन अपने वाइफ को बताता है, मेरी प्रमोशन हो गई है। यहीं पर सेरा की मदर कहती है, हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहिए जो कि सेरा को ढूंढने में हमारी मदद करे। ये बात सुनकर डॉन को गुस्सा आता है और वो साफ इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। डॉन जो टीवी सेरा के लिए लाया था उसे सेरा और उसकी बेटी देख रहे होते हैं। कुछ दिन बाद सेरा को एक बेटा होता है। कुछ दिनों बाद सेरा की बेटी बहुत बीमार हो जाती है जिस पर डॉन उसे मेडिसिन लाकर देता है। क्रिस्टोफर फिर से सेरा के घर में आता है और वो सेरा के बारे में पूछता है, जहां पर क्रिस्टोफर सेरा की सिस्टर से मिलता है। क्रिस्टोफर वो सारी बात सेरा की सिस्टर को बताता है जो भी उससे डॉन ने कहा था। वो बताता है डॉन ने उससे कहा था सेरा अपने बचपन की फ्रेंड के साथ भाग गई है। तब सेरा की सिस्टर क्रिस्टोफर से कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे फादर ने ही सेरा को कहीं छुपा दिया है, लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि सेरा हम लोगों से दूर खुद ही चली गई है। इसके बाद हम देखते हैं सेरा तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। सेरा की मदर और डॉन के बीच में बहस होती है। सेरा की सिस्टर डॉन से कहती है, आप हमेशा सेरा पर गुस्सा हुआ करते थे। इन लोगों के बीच बहस काफी बढ़ जाती है। इसके बाद सेरा की मदर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अपनी वाइफ को मनाने के लिए डॉन उसके पीछे जाता है। वहीं पर उसके पॉकेट से बेसमेंट की कीज गिर जाती है। सेरा की सिस्टर उन कीज को उठा लेती है और वो चुपके से बेसमेंट में जाती है। वहां जाकर वो अलग अलग बहुत तरह की चीजों को देखती है। उन चीजों को देखकर सेरा की सिस्टर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चीजें यहाँ क्यों हैं। लेकिन उसी वक्त डॉन भी वहां पर आ जाता है और वो सेरा के सिस्टर पर गुस्सा होता है और उसे वहां से भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं सेरा का तीसरा बच्चा भी पैदा होता है जो कि एक लड़का होता है। सेरा डॉन से कहती है, मेरे इस बच्चे को तुम बाहर ले जाओ, ये बच्चा तुम मेरी माँ के पास ले जाओ और उसे ये दे देना। डॉन यहाँ पर सेरा की बात मान लेता है और वो चुपके से उस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। सेरा की मदर उस बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है, जहाँ उसे उस बच्चे के साथ एक कागज पर लिखा हुआ नोट भी मिलता है। उस लेटर को सेरा ने लिखा है। वो उस लेटर में लिखती है, मॉम ये मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती हूँ, इसलिए आप इसे रख लीजिए। तब सेरा की मदर उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। उसी वक्त डॉन को वहां पर एक और नोट मिलता है। उस नोट में लिखा था, डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद कर रखा है। जब डॉन इस लेटर को पढ़ता है तो उसे सेरा पर बहुत गुस्सा आता है और वो सेरा को अब सजा देना चाहता था और इसलिए एक बार फिर से वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सेरा का बेटा और बेटी दोनों बड़े हो चुके हैं। एक दिन डॉन सेरा की बेटी को गंदी नजरों से देख रहा था, लेकिन सेरा डॉन के बुरे इरादों को समझ चुकी थी। वो जानती थी डॉन की गंदी नजर अब उसके बेटी पर भी पड़ चुकी है। सेरा अपनी बेटी के लिए काफी परेशान होती है क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा था। एक दिन ये लोग देखते हैं छत से पानी टपक रहा है। ये देखकर ये लोग सोचते हैं शायद ऊपर कोई कच्ची जमीन जरूर होगी। इसके बाद ये लोग उसे तोड़कर किसी की हेल्प मांगने की सोचते हैं। इसके बाद सेरा उस जगह को तोड़ने लगती है। रात को वो अपने बनाए छेद से एक लाइट बाहर निकालती है। उस लाइट को एक आदमी देख लेता है। सेरा की किस्मत यहाँ बहुत खराब थी क्योंकि वो आदमी जाकर ये बात डॉन को बता देता है। वो आदमी डॉन को बताता है, तुम्हारे बेसमेंट के छेद से एक लाइट बाहर आ रही है। ये सुनकर डॉन को सेरा पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो बेसमेंट में वापस जाता है और सेरा को बहुत मारता है। वो सेरा को इतना मारता है कि उसका बच्चा मर जाता है। इसके बाद डॉन उसके मरे हुए बच्चे को दफना देता है। ये सब देखकर सेरा के बच्चे बहुत दुखी होते हैं। सेरा डॉन से अपने उस बच्चे के बारे में पूछती है जो सेरा ने अपनी माँ को दिया था, जिस पर डॉन उसे बताता है नेक्स्ट मंथ वो एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। ये सुनने के बाद सेरा का बेटा वहाँ कहता है, मैं भी खेलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। वो बच्चा इन लोगों से पूछता है, हम लोग कब जाएंगे बाहर खेलने के लिए। डॉन इन लोगों से कहता है, जब तुम्हारी मदर का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो जाएगा तब मैं तुम लोगों को बाहर लेकर जाऊंगा। सेरा यहाँ पर डॉन से सॉरी बोलती है क्योंकि उसके बच्चों ने बाहर जाने की जिद की थी। डॉन के जाने के बाद सेरा के दोनों बच्चे सेरा पर गुस्सा करते हैं। वो बच्चे सेरा से कहते हैं, आखिर हमने ऐसा क्या कहा था जो आपने डॉन से सॉरी कहा।
सेरा इन लोगों को समझाती है, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ। सेरा अब भी क्रिस्टोफर को बहुत मिस करती है, क्योंकि सेरा ने क्रिस्टोफर के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा था। सेरा अपने दोनों बच्चों को डॉन की सारी करतूत बताती है और वो उसकी सारी सच्चाई उन लोगों को बताती है। सेरा की इन बातों को सुनकर दोनों बच्चे बहुत हैरान होते हैं। वो बच्चे सेरा की इन बातों को सुनकर बहुत डर जाते हैं। उसी वक्त सेरा की बेटी को अस्थमा का अटैक आता है। बच्चों को सच्चाई बताने पर डॉन को सेरा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत मारता है। लेकिन सेरा का बेटा अब बड़ा हो चुका है और वो डॉन को ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद डॉन बेसमेंट से बाहर जाता है और इन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए रूम के लाइट को बंद कर देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं डॉन की जॉब अब जा चुकी है और उसके सेविंग्स भी सारे खत्म होने वाले होते हैं। डॉन की वाइफ उससे पूछती है, तुम्हारे सारे सेविंग्स आखिर कहाँ खर्च हो रहे हैं? दूसरी तरफ सेरा वेंटिलेशन को तोड़ देती है। डॉन को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है कि वो जल्दी से इस घर को खाली कर दे, क्योंकि इंश्योरेंस का लिया हुआ पैसा डॉन ने वापस नहीं किया था। इसके बाद डॉन सेरा और उसके बच्चों को मारने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो अब ये सब मैनेज नहीं कर पा रहा था। वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी गाड़ी का धुआं रूम के अंदर छोड़ता है, लेकिन तभी वहां पर सेरा का वो बेटा आ जाता है जिसे सेरा ने अपनी माँ को दिया था, जिसके वजह से डॉन को अपनी गाड़ी बंद करनी पड़ती है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं सेरा की बेटी को फिर से अस्थमा का अटैक आया है। सेरा डॉन से कहती है, मैं अपनी बेटी का चेकअप कराना चाहती हूँ, मुझे कोई डॉक्टर चाहिए। लेकिन डॉन यहाँ पर साफ इनकार कर देता है। सेरा अपनी बेटी के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है। सेरा की बेटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर डॉन भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। डॉन सेरा और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर जाता है, जबकि उसके बेटे को बेसमेंट में ही रुकने के लिए वो बोलता है। सेरा जब बेसमेंट से बाहर आती है तब उसे अपने घर को देखकर सब कुछ याद आने लगता है। सेरा अपनी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी जान किसी तरह बचाई जाती है। वहां पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो कि सेरा के फादर को एक फॉर्म देती है और उसे फिलअप करने के लिए बोलती है। अब सेरा अपने उस नर्क वाले जिंदगी में फिर से वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो फॉर्म पर पानी फेंक देती है। इसके बाद डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है। मौके का फायदा उठाकर सेरा उस लेडी डॉक्टर के पास जाती है। सेरा जाकर उस लेडी डॉक्टर के गले लग जाती है, तभी पीछे से डॉन भी वहां पर आ जाता है। वो लेडी डॉक्टर से गले लगकर रोते हुए कहती है, प्लीज हेल्प मी। वहां पर एक पुलिस वाला भी होता है। ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि सेरा मुसीबत में है। वो पुलिस ऑफिसर डॉन को रुकने के लिए बोलता है और वो पुलिस ऑफिसर डॉन को पकड़ लेता है। इसके बाद डॉन सब कुछ सच बता देता है और अपनी सारी सच्चाई सभी लोगों को बता देता है। सेरा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब देखकर सेरा की मदर बहुत शॉक्ड होती है। ये सब करने के लिए डॉन को जेल होती है। हम लोग मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं सेरा अपने मदर और सिस्टर के साथ काफी खुश है और उसके बच्चे भी बाहर अच्छे से खेल रहे हैं। वहीं हम देखते हैं सेरा से मिलने के लिए क्रिस्टोफर आया है, जो कि अभी भी सेरा के इंतजार में अनमैरिड है। ये दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।